हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों आज बढ़िया एक न्यूज़ लेके आया है, जो पहले से चल रहा था कि एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन कैसे करना है और ऑनलाइन जो लैंग्वेज सिलेक्शन होगा ये मॉडिफाई होगा, तो 28 तारीख के बाद ये शुरू हो जाने वाला था। तो दोस्तों ये ऑनलाइन मॉडिफिकेशन शुरू हो गया है, तो मैं पहला वीडियो आपको दे रहा हूँ कि कैसे आपको मॉडिफाई करना है आपकी लैंग्वेज सिलेक्शन। आज पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज पूरा सीरीज दिन भर आपको मॉडिफिकेशन के बारे में वीडियो छोड़ता रहूँगा, मतलब अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज अभी इस वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे लैंग्वेज को मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी बोर्ड है वो बोर्ड खोल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में मिल जाएगा। कहीं यहाँ पे देख सकते हो, ये जगह में देख सकते हो आप ऑनलाइन अप्लाई नाउ सेप्टम, यहाँ पे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2018, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी अहमदाबाद बोर्ड खोल जाएगा। अहमदाबाद बोर्ड खोलो या कोई भी बोर्ड आपने जो भी बोर्ड आपने अप्लाई किया तो वहाँ पे जाके खोल लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लाइन चलता रहता है, यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट हु सबमिटिंग एप्लीकेशन 10th hour ऑन 19 February एंड कुड नॉट चूज एग्जामिनेशन लैंग्वेज दे आर चूज कैन मॉडिफाई योर एग्जाम लैंग्वेज बाय सिलेक्टिंग मॉडिफाई एग्जाम लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आया है जो मॉडिफाई एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और एक ऑप्शन आया है दोस्तों यहाँ पे मॉडिफाई एग्जाम लैंग्वेज। तो दो ऑप्शन आया है, तो दोस्तों आप जाके आपकी ब्राउज़र को क्लिक कीजिए, ब्राउज़र खोल लीजिए। खोलने के बाद यहाँ पे आपको मॉडिफाई लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि गाइज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मॉडिफाई एग्जाम लैंग्वेज, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नया टैब खुल जाएगा, यहाँ पे उसमें भी स्पेशली लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों स्पेशली लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन बिफोर 10 hour ऑन 19 February से पहले आप अगर एप्लीकेशन डाले हो, कुड चूज एग्जामिनेशन लैंग्वेज ऑफ देयर, यहाँ पे आप पहले से एग्जामिनेशन लैंग्वेज नहीं मांग रहा था तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंग्लिश रह जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे अभी यू कैन मॉडिफाई देयर एग्जामिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पे आपकी मॉडिफिकेशन शुरू हो गया है। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो आपकी लोकल लैंग्वेज, जैसे कि 16-17 लैंग्वेज है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी जैसे कि बिहारी है तो भोजपुरी में देना चाहते हो तो भोजपुरी में दे सकते हो, त्रिवेंद्रम में केरला से हो तो तुम मलयालम में दे सकते हो, ओडिशा से हो तो ओडिया भी दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे एक कैप्चर कोड दिखाएगा, तो कैप्चर कोड डाल दीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। दोस्तों मैं आपको लॉगिन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पार्ट टू रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ, तो पार्ट टू रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मुझे लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ऑल एग्जाम लैंग्वेज सिलेक्शन ऑप्शन विल अवेलेबल इन पार्ट टू रजिस्ट्रेशन। दोस्तों मैं पार्ट टू रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ तो आपको मैं प्रोसीड्योर बता देता हूँ कैसे आपको करना है। तो आप इसको लॉगिन हो जाने के बाद आपकी एक नया टैब खुल जाएगा, जो चेंज लैंग्वेज मॉडिफिकेशन टैब खुल जाएगा, उसमें आपकी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होगा इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों तो इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आपको उसको क्लिक कीजिए, तो आप नीचे बहुत सारा लैंग्वेज आपको मिल जाएगा। किसके लिए कि आप अगर उड़ीसा से हो तो उड़िया लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, अगर चाहते हो तो उसमें कोई बाउंड नहीं है कि उड़ीसा से आप उड़िया सिलेक्ट करोगे। तो आप अगर बिहार से भोजपुरी, त्रिवेंद्रम से हो तो क्या मलयालम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपकी जो मर्जी है वो एप्लीकेशन में वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपकी सबमिट ऑप्शन एक होगा, तो सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सेव हो जाएगा। अगर आपको प्रिंट लेना है तो प्रिंट भी ले सकते हो। तो इस तरीके में आपको ये सबमिट करना है। तो दोस्तों मैं
क्यों ऐसे बोल रहे हूँ कि दोस्तों मैं कई सालों से एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि ये रेलवे के बारे में, तो अभी अभी मुझे नौकरी मिला है, तो आपको जितना भी एक्सपीरियंस है दोस्तों आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है और कैसे आपको असिस्टेंट लोको पायलट हो या ग्रुप डी हो तो कैसे आपको क्लिक करना है, तो मैं सारे ट्रिक्स आपको बताते जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो आपको आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मॉडिफाई करना है। यहाँ पे आपको जो मॉडिफाई ऑनलाइन एप्लीकेशन था 10th वालों अभी हो गया है, पूरा आईटीआई हटा दिया गया है, उनको भी मॉडिफाई करना है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन में यहाँ पे भी पूरा आ जाएगा। दोस्तों मैं प्रोसीडियर आपको बताऊँगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे आपको 10th वालों जो सारे पोस्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है।